सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 विधायकों के मामले में अहम फैसला सुना दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर भाव। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 17 विधायकों के मामले में सुना दिया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हम बिल्कुल स्वागत करते हैं और बहुत इंतजार हो रही थी, तो ये फैसले से चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गए हैं। अभी वे लोग चुनाव लड़ सकेंगे और वो किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, अब उन पर है। किंतु संवैधानिक अधिकारों का ये इस प्रकार से रक्षण हुआ है कि रक्षा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं मानता हूँ कि ये स्वागत हम करते हैं, इससे वहाँ के राजनीति में दिशा ठीक रहेगी। जैसे एक तरफ उन्हें अयोग्य भी करार दिया गया है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं, तो एक संतुलित फैसला है दोनों तरफ से। स्पीकर की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, तो इस पर आप क्या समझते हैं? अभी कुल मिलाकर के भविष्य के जो यहाँ के प्रतिनिधि जो इस्तीफा दिया है, उनके अधिकारों को उन्होंने बचा के रखा है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये स्वागत करने लायक फैसला है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, क्योंकि उन विधायकों के कारण ही वहाँ की कुमार स्वामी सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी। तो अगर वो विधायक भाजपा से टिकट मांगते हैं तो क्या भाजपा उन्हें लड़ाएगी? नहीं, हमने तो कभी दरवाजा बंद नहीं किया है किसी के लिए। वो पार्टी में आना चाहते हैं, हमारे पार्टी के अनुरूप काम करना चाहते हैं और चुनाव लड़ने चाहते हैं, तो वो उनके ओर से अगर वो रिक्वेस्ट आती है तो हमारे स्टेट के पार्टी इसको इस पर फैसला लेगी। और इस विषय में हम दूसरे पार्टी में काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल बहुत प्रदेशों में, कर्नाटक में भी और अन्य प्रदेश में हो रहे हैं।